प्रमाणादर्थ संसिद्धि सदाभासाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्मणस्य। अठारहवां सूत्र चलेगा, चार पांच सूत्रों का ये सेट है, देखते हैं कितना पूरा हो पाता है। वैसे एक महत्वपूर्ण बात पहले मैं बता दूं आपको, प्रमाणों में आगम प्रमाण एक प्रमाण माना गया है। प्रवचन सार में भी एक गाथा आती है, चरणानियोग सूचक चुलिका में होगी 237-238, जिसमें ये लिखा है आगम सिद्धा अर्था, पदार्थ आगम से सिद्ध है, ऐसे एक वर्ड है। 236 गाथा ये भी है, आगम चक्खु साहु, आपने सुनी होगी ये कभी वर्डिंग्स। आगम चक्खु साहु मतलब आगम ही साधुओं के चक्षु है, अर्थात साधु कैसे देखते हैं वस्तु को, तो कहते हैं वे आगम के माध्यम से देखते हैं। ए सुनो सुनो, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था आपको, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हमारे ज्ञान का विषय है क्या? हमारे ज्ञान का विषय है क्या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य? हाँ बिल्कुल है। जैसे भगवान जानते वैसे ही हम जानते हैं क्या धर्म द्रव्य को? हाँ बराबर वैसे ही। वे असंख्यात प्रदेशी जानते हैं, हम भी असंख्यात प्रदेशी जानते हैं। जानने जानने में फर्क थोड़ा सा इतना सा ही है, थोड़ा सा कह रहा हूं मैं, कि वे प्रत्यक्ष जानते हैं और हम आगम से जानते हैं। कुछ पकड़ रहे मेरी बात को आप? हम ये कदापि नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते उस वस्तु को। 6 द्रव्य 7 तत्व बराबर हम इतम भूत जानते हैं। इस न्याय से कोई भी वस्तु केवल ज्ञान गोचर अकेली नहीं है, नहीं वो केवल ज्ञान गोचर है, केवल जो जो केवल ज्ञान का विषय है वो सब छद्मस्तों का विषय है। प्रकरण समझना मुझे क्या कहना है अभी, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है इतना तुमने जाना ना, हमारे ज्ञान गोचर नहीं है ऐसे क्यों बोलते हो अब समझे? वो जो हमेशा की बात है कि कुछ नहीं समझ में आए, इतना तो समझ में आया कि नहीं, तो केवल ज्ञान गोचर है हम नहीं जान सकते, तो हमने तो ये जाना ही है ना कि ये केवल ज्ञान गोचर है तो हम नहीं जान सकते, ऐसा नहीं बोलना उसको। मुझे तो और ये बात कहनी थी, वैसे जैसा धर्म द्रव्य का स्वरूप अधर्म काल द्रव्य का स्वरूप भगवान जानते वैसा ही हम जानते, रत्ती पाई अंतर नहीं है। वे भी काल द्रव्य को परिणमन हेतुत्व वाला मानते हैं, हम भी परिणमन हेतुत्व वाला मानते हैं। वे अप्रदेशी मानते हैं उसको एक प्रदेशी मानते हैं, हम भी एक प्रदेशी ही काल द्रव्य को मानते हैं। वे भी संख्या में असंख्यात मानते हैं, हम भी मानते हैं, कुछ भी अंतर नहीं उनके ज्ञान में हमारे ज्ञान में। फर्क कहां पर है? वे प्रत्यक्ष जानते हैं, हम आगम से जानते हैं। समझ में आता है? अभी एक महत्वपूर्ण बात और, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है, थोड़ा ध्यान से सुनते चलो। वैसे मैंने अभी अभी एक बात कही, आगम चक्कु साहू एक बात कही, मैंने यह कहा कि आगम ही साधु के चक्षु है। कहां देखा नरक, कहां देखा स्वर्ग, सब सब तिलय पंडित में देखा और कहां देखा, तो उसके लिए उतनी ही प्रामाणिकता है जैसे किसी ने प्रत्यक्ष देखा हुआ हो। किंचित भी प्रामाणिकता में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रामाणिकता बना है शब्द प्रमाण से, और प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान और बोतर सम्यक ज्ञान। श्रुत ज्ञान का सम्यकपना और केवल ज्ञान का सम्यकपना, दोनों के सम्यकपने में कुछ भी अंतर नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब समझ रहे बहुत अच्छे से? वहां का प्रकरण थोड़ा मैं और खोल दो आपको, तुम सीधे बैठो। आगम चक्कु साहू में वहां पर बात आई कि आगम ये साधु की आंख है, चक्षु है, ठीक है, अर्थात साधुओं को कुछ भी देखना हो किससे देखते हैं, ठीक है, पुनर्भव है, पुनर्जन्म है, किसने देखा है, हमने देखा है,
आपका अगला भोग किसने देखा है? हमने देखा है, और किसने देखा है, कहां पर देखा है? ग्रंथ में देखा है। क्या होगा आपका? ये चार परिणामों में से जो होगा उसका अगेंस्ट जो भाव है वो होगा, और क्या होगा? चार परिणाम मतलब अल्पारंभ, अल्प परिग्रह, बहुआरंभ, कुछ ना कुछ जहां फिट होगा वह, जहां सेट होगा उसके आगे संविधान में धारा सेट है। वे क्या मर्डर करेगा, रॉबरी करेगा, थेफ्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट वो धारा सेट है। मैंने कई दफे कहा है, वो जज के माथे नहीं है वो काम, किसको क्या सजा देना, तो आ जाना तेरे को देखता हूं मैं कोर्ट में, वो नहीं बोल सकता ऐसा जज, उसके माथे है ही नहीं ये काम, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी सेट है। 1948 में जो हुआ सो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सेट है पूरा, वहां पर कौन क्या करेगा, फिर उसको फेरफार के लिए एक नए मीटिंग की आवश्यकता है, और उसके लिए सब विचार करेंगे, सम्मति से ही वो बात होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैं ये क्या कहना है, मैं ये कह रहा हूं आगम चक्कू साहू एक गाथा ये बोली, और आगम सिद्धा अत्था, आगम प्रमाण की बात चलनी है ना, तो कहते हैं साधु कि आगम ही चक्षु है, वो प्रकरणीय चला। टीका लिखते समय अमृत चंद्र स्वामी ने, बहुत आनंद की बात है, साधु का अर्थ लोग क्या समझते होंगे कि साधु मतलब मुनि की बात चल रही है, और चरणानुयोग सूचक चुलिका है भी प्रकरण मुनियों का ही, तो उन्होंने टीका में खोलना जरूरी समझा। वे ये कहते, देखो वे देव है ना, वे तो अवधि चक्षु वाले है, देव नार की अवधि चक्षु वाले है, वो केवली है, वो केवल चक्षु वाले है, समझ रहे आप लोग ना सब? अवधि ज्ञान से देव नार के जानते हैं, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानते हैं, और बाकी सामान्य जीव है, अज्ञानी पुरुष अपन कह सकते हैं, वे चर्म चक्षु से जानते हैं, चक्षु के भेद किए उन्होंने। और एक बात कही कि, और जानते हैं ये साधु गण किससे जानते हैं? आगम रूप चक्षु से। साधु नहीं लिखा लेकिन उन्होंने मुमुक्षु ऐसा वर्ड लिखा, और सब जगह उन्होंने मुमुक्षु ही वर्ड से काम चलाया। यह कहकर ये कहना चाहते होंगे, मानो क्या कहना चाहते होंगे, साधु अर्थात आत्मानं साधयति इति साधु, ऐसा लेना, जो साधना जानता है, सब कला अवगत हो गई है जिसको, कुछ नहीं किया है ऐसी उसकी हंसी नहीं उड़ाना कभी गलती से भी, क्यों? उसको कला अवगत है, किसी मजबूरन वो बीच में रुका पड़ा है अथवा प्रारंभ नहीं कर पाया है, यह बात अलग है, सबकी मजबूरी अपने अपने अलग होती है। हंसी नहीं करना उसकी, किसकी किसकी रॉन्ग, किसकी? साधक पुरुष की। साधु मतलब फिर साधु मत बोलो, फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। साधक पुरुष मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती की, समझ में आता है क्या? उसके लिए आगम ही सब कुछ है। गुरुदेव का प्रसिद्ध अब कथा घटना आती है, किसने देखा है, किसने देखा है, तो कहते हैं तुझे चलना हो तो चल, नहीं तो मत चल। किसने देखा है ये कहकर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना सर्वज्ञ के सामने। अब समझ में आती है आपको? मैं हमेशा कुछ बातें कहता हूँ थोड़ी थोड़ी, मैं कभी कभी ये कहता हूं कि देखो, ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या करके मर जाना उतना बड़ा अपराध नहीं है। आदर्श कहा बैठा है? कहा बैठा है? वैसे गायब? सुनो सुनो, मैं हमेशा ही कहता हूं, अन्यथा बात को नहीं लेना, वैसे आप शांति से सुनना जो मैं क्या कह रहा हूं, शांति से सुनना। मैं आत्महत्या को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, ये तो पलायनवाद है, संकटों से पलायनवाद है। तो जो नपुंसक प्रवृत्ति के, कायर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी धमनियों में खून बहना बंद हुआ है, ऐसों का वो विचार, वो कंक्लूजन होता है क्या, कि मर जाए हम। और मैंने कई दफे आपको कहा है, ऐसों के पीछे कोई नहीं रोता। क्या बोला? माँ भी नहीं रोती, पिता भी नहीं रोता, पति भी नहीं रोता, सब कोई नहीं रोता ऐसे ऐसों के पीछे। पर ये सोचते ये कालीमा पोत चला गया, तो मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा आत्महत्या का, मैं तो नई एक बात कह रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं आत्महत्या करके कोई मर जाए तो उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन गिरिपात तो अग्निपातश्च, कुछ समझ में आता है? कुछ लोक मूढ़म निगद्यते,
क्या कहना चाहता हूं मैं, धर्म के नाम पर कोई छलांग लगाता है, जल समाधि, भूमि समाधि, धर्म होगा वो बहुत धोखे में है और उसकी बहुत दया आती है। साक्षात वो धर्म मान रहा है उसमें, आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? मैं उसी परिप्रेक्ष्य में यहां पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं अभी कौन सा मुद्दा कह रहा था, वैसे आगम चक्कू साहू का कुछ कह रहा था, कहते कहते रह गया। बहुत अच्छी बात चल रही थी कुछ। हाँ, मुमुक्षु, हाँ हाँ हाँ, अगेन अगेन, राइट राइट, जिसको धर्म में, धर्म के कंसेप्ट में गड़बड़ी है वो बड़े धोखे में है। अभी फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करे, बड़ी बात वो नहीं होती, लेकिन कुछ करके उसके धर्म माने। राग आदि होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, वो कितनी बड़ी बात है। पकड़ रहे कि नहीं आप लोग सब? ओके, मैंने इसलिए एक जगह भी बोला था ऐसा, वो बोले कि, मैंने कभी बताया होगा आपको, एक बार जसवंत नगर गया मैं, 6-7 साल हो गए होंगे, वहां पर दही, अपनी जैन समाज दही ही खाती ही नहीं है। अभी का सिनेरियो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने वश कुतूहलवश पूछा कि, तो मैंने उनको कहा था, भाई शुक्रवार के दिन मैं दही नहीं लेता हूं, शुक्रवार को दही के रस का त्याग है मेरे, गुरुवार को दूध के, आदि आदि। तो फिर दही की बात है तो बोले दही के तो सवाल ही नहीं, दही तो बनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले कि यहां पर कोई जैन समाज दही नहीं खाती, क्योंकि उसमें कहते ना लोग वायरस होते, कौन उलझे उसमें, आउट कर दिया। एक बात, मैं और एक बात को, फिर दुनिया तो आजकल ये भी कहते कौन उलझे, दूध भी तो मांस का अंश है, दूध भी तो उसी का अंश है, कोई ये कहे, अब तो कौन उलझे उसमें, नहीं खाए वो बेटर। देखो मैंने कुछ बात कही, उनको थोड़ा विशेष रूप से समझना। मैंने उनको कहा आपने दूध छोड़ा है, दही छोड़ा है, आपको 3 काल में सम्यक्त नहीं होगा है, ये क्या बात हुई? मैंने कहा विरक्ति आकर दही दूध छोड़ना बात अलग है, एक नहीं 23-23 तीर्थंकरों के पार ने दुग्ध पदार्थ पर हुए, आपने दूध पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कौन टंटे में उलझे, बात टंटे की नहीं है, बात महापुरुष पर छीटा कसी है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? मैंने तो कई दफे, एक बार डिबेट का भी विषय आया था मेरे पास, बहुत एक प्रचलित सेटेड तर्क रहता है। कोई कहते दूध मांसाहारी है, मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, मेरे पास एक सेटेड तर्क है दूध मांसाहारी का। क्या? यदि दूध मांसाहारी है तो कोई, कौन दुनिया में कौन लाल शाकाहारी है फिर? क्योंकि सबने अपने अपने मां का दूध पिया है, बिना मां का दूध पिया तो कोई नहीं पैदा हुआ है। तो फिर भले आदमी शाकाहार और मांसाहार का परिभाषा कैसे करेंगे, तुम बताओ तो हमको। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? समस्या दूध और दही को छोड़ने की नहीं है, लेकिन तुम उसको, वो कौन विवाद में उलझे, और जिनागम में अपने उल्लेख है, दूध दही का पूरा उल्लेख है, और तुम उसको छोड़ रहे हो, तुम भक्ष मानकर उसको छोड़ो एक बार, और छोड़ो नहीं तो नहीं छोड़ो, वो कोई छोड़ने पोड़ने की बात ही नहीं है, बात श्रद्धा की है, सर्वज्ञता के आस्था की प्रति है। समझ में आता है? इसलिए मैं अभी फिर से इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात कहूं, फूलों पर पैर रखना बुरा नहीं मानना, और इसका भी विपरीत अर्थ नहीं लेना, क्योंकि मैं तो कभी घास पत्ती पर भी कभी नहीं चला, और मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कोई भी सामान्य जैन भी चलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन कोई फूल पर चले तो बड़ा पाप नहीं है, जितना बड़ा पाप उसमें है वो ये कहे कि किसने देखा, वो सीधा देव शास्त्र गुरु पर आ चाह गई ना। ये पकड़े क्या आप मेरी बात को? देह में जिसका श्रद्धा नहीं है, प्रथम ग्रास मक्षिका हो गया उसका, वो आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे तो कुछ बात कहने, आगम प्रमाण चालू होना है। मैं एक बात कहता हूं वैसे कि, सीट प्रॉपरली अच्छे से बैठो। कोई भी बात आगम ही से प्रमाण होती है ऐसा नहीं होता है, सच पूछो तो। बारीकाई से समझना, मैं कुछ बियॉन्ड द पेजेस बातें बता रहा हूं आपको, ये कहीं कहीं पन्नों में नहीं लिखी है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बात कोई अकेले प्रमाण से ही सिद्ध होती है ऐसा कभी नहीं होता है।
समझे मेरी बात को, जैसे धर्म अधर्म द्रव्य है, ये कोई आगम से ही सिद्ध है बात, बोलो, ये आगम के साथ साथ अनुमान आदि भी होता है। क्या बोला, कुछ पकड़ में आता है? अनुमान नहीं होता कि धर्म द्रव्य, तो आज साइंस जितना भी डिस्कवर कर रही है, इथर के नाम पर, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम पर, स्पेस के नाम पर, मैटर सोल के नाम पर, छह के छह द्रव्य पूरे तो सिद्ध किए, और तुम क्या चाहते हो? अब उसको प्रत्यक्ष ही बोलना पड़ेगा। मैं तो कुछ बात कह रहा हूं विशेष, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एक वस्तु जैसे धर्म अधर्म द्रव्य की सिद्धि कोई आगम प्रमाण से ही थोड़ी होती है, अनुमान प्रमाण से भी होती है। ऐसा कोई मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ स्टेट, जिसको न्यूटन सेकंड लॉ बोला, क्या अ थिंग कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ स्टेट अनलेस एंड अंटिल एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट, कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दोनों बातें उन्होंने कही। आप समझ रहे कुछ मेरी बात को? धर्म ये अनुमान से भी सिद्धि होती है इसकी, कोई बहिरंग एक निमित्त होना चाहिए, काल फैक्टर, एक स्पेस के लिए सब एक एक द्रव्य होना चाहिए, मतलब आगम ही एक बात नहीं होती केवल किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए। स्वर्ग है नरक है कोई आगम ही बात नहीं है उसके लिए, अनुमान से भी बराबर सिद्ध होती है, और किसी किसी को प्रत्यक्ष तो है ही, क्योंकि अनुमान जो किसी को अनुमान होता है वो किसी किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। पहाड़ पर बैठने वाले के लिए अग्नि प्रत्यक्ष है, राम रावण के काल में बैठे वाले विभीषण आदि, भरत लक्ष्मण आदि, उनके लिए राम रावण प्रत्यक्ष है, क्या सबके लिए क्या अनुमान होता है? ऐसा थोड़ी होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए देखो, जिनागम की कोई बात केवल आगम प्रमाण नहीं होती जिनागम की, इसीलिए जैसे परिभाषा उनको करनी है। आगम की परिभाषा क्या करी रत्नकरण सावकाचार्य में, बोलना जरा, बताओ ना। आप तो पग्य आप तो ने कहा हुआ अनुलंग्य, मेरा ऊपरी भाव बना है नाइन्थ वालों के विषय रात में चले कल से, अभी ज्यादा नहीं सोचा है, और उल्लंघन नहीं होगा उसका, अनबीटेबल जिसको कहते हैं, उसको कोई काट नहीं होगी, बाधा नहीं होगी, अनुलंग्य म दृष्टेष्ट विरुद्ध कम, क्या शब्द डाला, अदृष्ट, मदृष्ट, दृष्ट और इष्ट के माध्यम से बाधा को प्राप्त नहीं होता, क्या शब्द पड़ा वहां का? अब थोड़ा विचार करो जो मैं कह रहा हूं अच्छे से, वहां पर ये कह रहे बाधा नहीं आती, किससे बाधा नहीं, दृष्ट और इष्ट, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, इष्ट मतलब परोक्ष, तत्वोपदेश क्या है, अप्तोपज्ञ मनुलंग्य मां दृष्टेष्ट विरुद्धकम् तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम्, वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने जिसको अपन अभी हाईलाइट कर रहे हैं, दृष्ट और इष्ट, इष्ट और दृष्ट के माध्यम से बाधित नहीं होता। इष्ट का अर्थ इस प्रकरण में परोक्ष ज्ञान है, अभी ज्यादा मेरे पास समय नहीं है उसको खोलने का, लेकिन इष्ट का अर्थ इस प्रकरण में क्या है, मैंने आपको रत्नकरण सावकाचार्य में लिया था, आपको याद आ रही है, मां दृष्टेष्ट विरोधकम का अर्थ लिया था, दृष्ट मतलब जो दिखाई देता प्रत्यक्ष साम्यवहारिक, इष्ट का अर्थ लिया था परोक्ष अनुमान आदि, पढ़ लेना सदाशुद्धा जी का उचनिका, उसमें क्या अर्थ किया है, एक बात यह हुई। वे क्या कहना चाहते हैं, आगम की कोई बात प्रत्यक्ष और परोक्ष से उसको कोई काट नहीं सकता, आप समझ रहे, परोक्ष मतलब कोई आगम की बात नहीं है, वो अनुमान आदि से भी सिद्ध होती है वो बात, एक वो बात हुई। नहीं तो क्या दिक्कत आती मालूम आपको, फिर सब आगम प्रमाण तो सबने माने हैं अपने अपने, क्यों आगम प्रमाण कोई जैनी थोड़ी मानता है, आगम प्रमाण तो भट्ट ने माने हैं, आगम प्रमाण तो एक चार्वाक और बौद्धों को यदि छोड़ो, नीचे के तीन मत वालों ने तो माने ही है ना, प्रभाकर वालों ने भी आगम माने ही है ना उन्होंने, अरे समझ में आता है, अरे बौद्ध भी मानते कि नहीं त्रिपिटक वगैरह सब, आगम मानते हैं कि नहीं सभी,
तो आगम आगम प्रमाण हो गया, मतलब सब अपना अपना ला कर दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी आगम प्रमाण होता है। इसका मतलब यह रहा, आगम के बाद भी अपनी बुद्धि को चलाने की गुंजाइश पूरी होती है, क्योंकि ऐसे सब अपना अपना ला कर दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी प्रमाण हो जाएगा सबका, सब आगम प्रमाण है, हमारा हमारे में आगम प्रमाण का, हमारे आगम में ऐसे लिखा है। अरे भाई, हमारे में तुम्हारे आगम की कितनी प्रामाणिकता, पहले वो भी तो सिद्ध होना पड़ेगा कि नहीं, समझ रहे? फिर सब आगम में ऐसे लिखा है सर। फिर श्वेतंबर वालों ने एक अचेरा खड़ा किया, इसको छेड़ना नहीं, उसको छेड़ना नहीं, अरे अचेरे फचेरे खड़े नहीं करना बीच में, क्यों आगम आगम कहकर नहीं चलेगा। टोडरमल जी ने लिया, प्रत्यक्ष ही लोक में नहीं दिखता ऐसा, कहा बोला, बोलो जल्दी कहा बोला, कि गर्भ एक के पेट में बोलते हैं, जन्म एक जगह बोलते हैं, एक ब्राह्मण बाप बोल रहे, एक जैन बाप बोल रही है, क्या बोल रहे, इनका ठिकाना है लोक में, गाली है ये दो दो बाप वाला, किसी को कहना लोक में प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसको ये बोल देते और कहते छेड़ो मत इसको बोलते है, समझ में आता? तो ऐसा आगम नहीं चलेगा ना। टोडरमल जी कहते प्रत्यक्ष बाधित हो रहे, तुम आगम थोड़ी चलता है ऐसा, मतलब आगम मुझे क्या कहना है, आगम की कोई भी बात मात्र मात्र आगम में कही है इसलिए सत्य नहीं होती, वो उसका लॉजिक चलता है उसके पीछे कुछ, और हमने जितने भी हुंडा उसर पिनी के दोष माने हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। क्यों, पानी पिछले साल बरसा था, पिछले साल जैसा हुआ 10 साल अकाल पड़े पानी बरसे ही नहीं, तो ये हो सकता है कि नहीं काल दोष ऐसा? अरे समझ में आता है कि नहीं, कि ऋतु के अनुसार जो जो कुछ होना चाहिए सो तो होना ही चाहिए, ऐसा किसने बोला है? तो प्रत्यक्ष में भी दिखता है ये, तो प्रत्यक्ष दिखना चाहिए ऐसा कुछ, तब तो हम बोल सकेंगे काल दोष में ऐसा ऐसा हुआ कुछ, महापुरुषों का विनय भंग हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, हुआ होगा कुछ, पुण्य घटता जाता है, कुछ होता जाता है, जो भी कुछ होता है, समझ में आता है? और श्वेतंबर मत के खंडन में टोडरमल जी को भी, टोडरमल जी बात कर रहे थे श्वेतंबर से, तो कहते तुम लोग 14-14 उपकरण रखते हो समाज के सामने, अपरिग्रह महाव्रत की तुमने प्रतिज्ञा ली है, तुमको शर्म आना चाहिए, जैन दर्शन में तो प्रतिज्ञा न लेने का तो पाप है नहीं, लेकिन बड़ी प्रतिज्ञा लेके उसका उसको तोड़ना और हल्का पालन करना महापाप है, टोडरमल जी ने बोला। तो फिर जब भी उपकरण की बात आई, तुरंत श्वेतंबर ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, आगम में ऐसा लिखा है, जैन ऐसा लिखा है, जैन शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा बोला वो। टोडरमल जी कहते ऐ तुम्हारे शास्त्र में लिखा होगा, दिगंबर शास्त्र में तो लंगोट भी पहनता है, उसको गृहस्थों के कोट में बिठाया है, समोशरण में भी जहां पर सामान्य मिथ्या दृष्टि बैठते हैं वहीं पर आयलोक को बैठना पड़ता है, वस्त्र का धागा भी होगा तो भी हमारे यहां गृहस्थ ही संज्ञा है, तो तुम्हारे शास्त्र में लिखा होगा, ऐसे टोडरमल जी ने स्पष्ट बोला वहां पर। मुझे तो क्या बात कहनी है, कोई मुझे बताएगा कोर क्या है मुझे समझाने का? तुम अच्छे से बैठो भाई, तुम बराबर बताते जा रहे हो, मैं मुझे क्या बताना है? विरल आगम की दुहाई देकर सबका सिक्का चलता रहेगा ऐसा थोड़ी होता है। और भाई साहब, आगम के लिए भी पुरुष के वचन की प्रामाणिकता के लिए पहले तो पुरुष की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं हम, तो वो आगम कहलाता है आगम। कोई तो हर एक का आगम अपना अपना, फिर सबके सबका ही सत्य होगा ऐसा थोड़ी है कुछ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं ग्रंथ की बात, अपने ग्रंथ की भी बात अन्य अन्य प्रमाणों से भी कसी जा सकती है एनी बात। अभी और अपन महावीराष्टक स्तोत्र का तो छंद छोड़ो, आत्मीमांसा का भी अभी एक स्तोत्र देखा था छंद, सत्वमेवासी निर्दोष हो, आगे बोलो सत्वमेवासी निर्दोष हो, आगे बोलो हे भगवान आप ही निर्दोष हो, क्यों युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, आगे अविरोधो यदिष्टम ते, क्या दृष्टेन तेन बाध्यते, वहां पर भी एक बात फिर से कही उन्होंने समदभद्र स्वामी ने, अभी रत्नकरण सावकाचार्य में ऐसा बोला था भगवान की वाणी, अभी आप तो मीमांसा में बोल रहे भगवान आपकी वाणी प्रत्यक्ष परोक्ष में भी अनुमान आदि किसी से भी काटी नहीं जा सकती,
बल्कि अन्य मतियों के साथ आगम शब्द का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, क्यों, सबका अपना अपना आगम है वहां पर। आप सब समझ रहे हैं क्या? अभी देखिए, एक सूत्र पढ़ना है अपने को, उसकी थोड़ी भूमिका जमाता वाली, लेकिन सभी इसमें एक मत है कि पुण्य करने से धर्म होगा। पुण्य करने से धर्म नहीं बोलता हूं मैं अभी, पुण्य और धर्म एक अर्थवाची ही के रूप में चलता है लोक में, तो उसी से मैं काम चला रहा हूं। क्या बोला मैंने अभी? पुण्य इज इक्वल टू धर्म, लोक की भाषा है। हमारे चरणानुयोग ने उसको हूबहू स्वीकार किया है बिना मीन में के। क्या कहा उसमें? शब्द का फेरफार नहीं करता चरणानुयोग कुछ, इसलिए लोक की समस्त मर्यादाएं हमारा चरणानुयोग समा लेता है। कहां पर लिखा? श्वापी देवोपी देवस्व जायते धर्म कलविशात। धर्म के बल पर, धर्म के फल से वो कुत्ता भी देव होता है। जानते हैं ना वो छंद, रत्नकरण साहब का चरक छंद, बोला मैंने यहां से, वहां पर धर्म का अर्थ क्या लिखा है? पुण्य, पढ़ना सदा सुद्दाज जी का पूरा। तो धर्म तो चलता है, पुण्य बोले कोई आपत्ति नहीं उसको। मैं तो एक बात कह रहा हूं, ऐसे मैं ये कह रहा हूं, यह सभी जन स्वीकार करते हैं कि यहां पर पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे तो प्रगति अच्छी होगी, परलोक अच्छा होगा, ठीक है? ये कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? अरे चार्वाक तो परभव मानता ही नहीं है, चार्वाक का नाम काय के लिए ले रहे? जो जो परभव मानता है, चार्वाक के अलावा जो जो परभव मानता है, वो सब मानता ही है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, इस भव में ना सही परभव में मिलता है, मिलेगा जरूर। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है, चाहो करो हजार, या हजारों सुक्ते इसी को लेकर है। इस हाथ दे, इस हाथ ले, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब सब भरा पड़ा है। इसमें सभी एकमत हो गए धर्मशास्त्र, क्या कि धर्म का फल प्रगति प्रभाव अच्छा होगा, परलोक अच्छा होगा। धर्म का अर्थ यहां पर पुण्य, वे तो वैसा धर्म जानते नहीं। लेकिन कोई यह कहे कि धर्म का फल परलोक में दुख है, हेतु दो, हेतु कुछ दो, पुरुषाश्रित होने से है, ये क्या हेतु दिया तुमने? पुरुषाश्रित होने से मतलब, क्योंकि पुरुष मतलब यहां पर जीव, जीव ने किया है परिणाम, इसलिए उसका फल खराब होगा। थोड़ा समझो, समझो, मैं सूत्र पढ़ने वाला हूं, मैं सूत्र का अर्थ करना चालू किया है मैंने। सबसे पहले मैंने क्या भूमिका जमाई कि ये सब जगह वैसे प्रसिद्ध है कि आप धर्म करेंगे तो आपका परलोक अच्छा होगा। आत्मानुशासन का एक छंद मैं हमेशा कहता हूं, पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम्। आत्मानुशासन का छंद है, पापा दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम् तस्मात् विहाय पापम। हे जीवो, इसलिए तुम पापों से दूर रहो और तुम धर्म पुण्य करो ना कुछ। सर्वजन प्रसिद्धमिदम्, सब में बात प्रचलित है कि धर्म का फल अच्छा हो, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूं समझो, सुनो। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा आकर कहे धर्म का फल परलोक में अच्छा नहीं होगा, ये तो कैसी बात करता है? हेतु दो, तो उसने कहा पुरुषाश्रित होने से। जैसे जैसे कहते हैं पाप पुरुषाश्रित है ना, तो उसका फल अच्छा थोड़ी होता है, तो ये भी पुरुषाश्रित है, बस इसका भी फल अच्छा नहीं निकलेगा। हेतु पुरुषाश्रित, पकड़ में आता है किसी को? कितने जन समझ रहे इसको? देखो सुनो, सुनो सुनो सुनो, अभी एक सूत्र हमने दोपहरी में देखा था, आपको याद होगा, उसका यह कहना था अग्नि उष्ण नहीं है, हेतु क्या दे रहा था? हेतु यह दे रहा था द्रव्य होने से। जैसे देखो, जल भी द्रव्य है ना, वो शीतल होता है ना, ये भी द्रव्य है ना, फिर ये कैसे उष्ण होगा? बस हेतु क्या दिया? द्रव्य। तो वहां पर प्रत्यक्ष बाधा लिया था, अभी यहां पर क्या दे रहा है वो?
कि पाप करने से दुर्गति होती है, तो कहते फिर पुण्य पुण्य करने से कहां सदगति होगी, इसमें दुर्गति ही होनी है। यह अध्यात्म की भाषा नहीं चल रही है, अध्यात्म की भाषा में तो पुण्य और पाप एक ही है। एक कितने जन फॉलो कर रहे हैं, या अध्यात्म नहीं चल रहा है प्रकरण, यह न्याय का प्रकरण चल रहा है। फिर वो कह रहे हैं पुण्य का फल जब परलोक में खराब है पाप का, तो पुण्य का भी खराब ही होगा, क्योंकि पुरुष आश्रित होने से। फिर उसके न्याय से तो धर्म का फल भी खराब ही होगा, क्योंकि पुरुष आश्रित होने से। कितने जन ने अब पकड़ा, धर्म मतलब शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं, नहीं उसका हेतु एक है, पुरुष आश्रित होने से। पुरुष आश्रित मतलब जीव ने किया होने से, वो पाप जीव ने किया इसलिए खराब फल होगा, ऐसे हेतु दिया, जीव ने किया इसलिए। कह रहे पुण्य भी जीव ने किया ना, बस उसका फल खराब होगा। फिर तो वो तो ये भी शुद्ध उपयोग, हालांकि वो जानता नहीं, लेकिन शुद्ध उपयोग भी तो पुरुषाश्रित ही तो है, तो उसका भी फल वो खराब ही कहने को बैठा, क्योंकि वो एक ही हेतु लेकर बैठा है, क्या पुराश्रित, पुरुषाश्रित होने से। तो कहते नहीं, ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी, ये आगम बाधित दोष है। क्या क्या कहते इसको, आगम बाधित पक्षाभास। ये आगम बाधित पक्षाभास, आगम कोई भी आगम, जैन नॉन जैन, यहां पर वैसे जैन के आगम की बात नहीं है, शब्द प्रमाण माने ना जैन इतरों ने, तो कोई भी किसी का भी आगम उठाओ, कोई भी ये नहीं कहता क्या कि पुण्य का फल दुर्गति होगी। ये तो आगम बाधा है, इसमें सभी आगम एक मुख से इसमें एग्री नहीं होंगे तुम्हारे कहने से कि पाप करने से धर्म होगा। ठीक है, देखो देखो देखो, ये 18वां सूत्र पढ़ता हूं मैं। प्रत्या सुख दो धर्म। ए सच पूछो तो ये जो अभी अभी तुम मुझे उस दिन किसी ने बोल दिया, वैसे अभी कबीर का भी मैं बहुत सारा मैटर पढ़ रहा हूं ना। कबीर आप जानते हो, कबीर भी ओरिजिनली मुस्लिम बॉर्न है। मैं और एक बात कहता हूं, सुनो, जितने भी समाज सेवक होते हैं वे कभी भी सांप्रदायिक नहीं होते हैं। उनकी विचारधारा जन सामान्य से बहुत ऊंची उठी होती है। वे एक समाज को एक प्रेम बंधुत्व के रूप में सूत्रबद्ध करने में ही संलग्न हुए रहते हैं। वे कभी भी हिंदू या मुसलमान नहीं होते। जितने भी सोशल वर्कर्स हुए ना, जैसे विनोबा भावे आदि आदि, आपके उनकी जबान में कभी नहीं मिलेगा कि ये धर्म अच्छा। वो तो मानव धर्म ये मान के चलते बस, ओनली। तो कबीर इनबॉर्न मुस्लिम था ये। अभी मैं बहुत पढ़ रहा हूं तो किसी को चाहिए वो मेरे पास आ सकता है। मैं तो ये थोड़ा सा, ये जो जिसने थोड़ा रिसर्च किया, कबीर अगेंस्ट जैनिज्म, अगेंस्ट मतलब यहां पर विरुद्ध ऐसा नहीं, वर्सेस मतलब यहां पर ये कबीर वाणी और जैनिज्म, हाउ दे आर एनालॉगस टू ईच अदर। उन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने, वर्ड टू वर्ड बराबर छाट छाट के दिखाते जो रिसर्च करते हो उसमें। तो वो था मुस्लिम में जन्मा कबीर बाद, लेकिन वो उस काल में जन्मा वाला है जिसमें मुसलमान इतना आतंक फैलाते थे सब जगह, तो उससे देखा नहीं गया। तो फिर उसने वो इस धारा में खड़ा था, जैसे आप जानते वो कभी मस्जिद वज्जिद में थोड़ी ना जाता था। फिर आपने कभी एक उसका किस्सा सुना होगा, उसको किसी ने कहा तुम ऐसे पैर करके मत सो, इस तरफ मस्जिद है, नहीं याद आपको, नहीं ज्ञान में क्या। तो उसने कहा क्या मजाक करते हो, कह रहे सब जगह भगवान ही खड़े हैं। देखो इसके छल करने की बात नहीं है, ये जो ऊंचे उठते हैं तो उनकी सोच ऐसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको कोई सम्यक तो वगैरह हुआ होगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं हुआ होगा। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मतलब एक सामान्य बात चलती है। मुझे तो क्या कहना है, मांसाहार वगैरह को खूब निषेध किया उन्होंने, और उन्होंने बार बार कहना पड़ा कि किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मुझे ये भी कहना है साथ साथ कि आगम के नाम पर कोई कुछ भी लाकर दिखाए, ये नहीं चलेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ मिलाया हुआ हो बाद में,
ये तो ऐसे सैकड़ों ग्रंथ होते हैं, अपने दिगंबरों में भी मिलाते हैं, पंचामृत अभिषेक भी सब मिलाया वाला ही है भट्टारको ने बाद में, स्त्री अभिषेक आदि ये भी मिलावट, सब मिलावट ही है बाद में। तो आगम किसको माना जाएगा? फिर आज भी मैं कुछ भी लिख दूंगा तो क्या वो आगम बन जाएगा क्या? तो कौन लिखेगा, बात उसकी है उसमें। इसलिए टोडरमल जी के सामने भी जब जब भी विषय बनाए हैं कि सब ये ऐसा कहते वो ऐसा कहते हैं, जबकि दोनों दिगंबर आचार्य खड़े हैं, उनका भावलिंगत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता, ऐसी केस में भी टोडरमल जी बोले, बोलो बोलो, ओल्ड इज गोल्ड। याद है ना आठवें अध्याय में क्या बोले? नहीं याद आपको? फिर नहीं नहीं ज्यादा ही ऐसा हो वैसा ही हो दो आचार्यों में ऐसा में, तो एक जो प्राचीन है वो प्रामाणिक मानना, ऐसा एक दिया उन्होंने। एक बात तो यह है कि हम कुछ नहीं कह सकते, हुआ ना ऐसा धवल ग्रंथ में दो दो अपेक्षाएं सामने दिखी। धवल ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने दो अपेक्षा लिखी, ये ऐसा ये ऐसा। फिर उनको किसी ने पूछा कि भाई ये ऐसे तुम्हारा क्या कहना है, तो क्या कहा? मुझे एलाचार्य के द्वारा जबान नहीं चल पा रही है, बंद हो गई है मेरी बोलती, मैं किसी को कम कहकर मैं कैसे रिस्क ले सकता हूं, दोनों बहुलिंगी है, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन फिर भी यदि रस्सा कस्सी चलेगी तो जो प्राचीन है उनको इसीलिए मेरिट दिया जाएगा, वितरकता के बल पर नहीं, क्योंकि वितरकता में तो रत्ती पर अंतर नहीं है, घटते हुए क्षेत्र के बल पर जो प्राचीन है उसको वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर उत्तर घटता जा रहा है, जो प्राचीन है उसको पकड़ लेना, क्योंकि बाद में फेरफार होता रहता है, हमने कहा तुमने कुछ सुना तुमने कुछ कहा, वो दसवें बात दसवें तक कहां से कहां तक बात पहुंच जाती है, तेल मसाला कितना मामला ही बदल जाता है पूरा। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो 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 क्या कह रहे, प्रत्यय सुखदो धर्म पुरुषाश्री तत्वा द धर्मवत। इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यय, बोलो मत अभी, सुनो सुनो सब, प्रत्यय असुखद धर्म पुरुषाश्रितत्वात् अधर्मवत। सबको अर्थ ख्याल में आ गया होगा? कितने जन को अर्थ ख्याल में आया? हाथ ऊंचा उठाओ थोड़ा। अरे मैंने पहले ही अर्थ खोला था ना भाई, अधर्मवत। यहां पर धर्म का अर्थ क्या? पुण्य, पुण्य। अधर्मवत, अधर्मवत मतलब पापवत। क्या पापवत? पुरुषाश्रितत्वात्, पुरुषाश्रित होने से, पुरुषाश्रित होने से पापवत। प्रेत्य असुखदो धर्म, धर्म भी असुखद है प्रेत्य परलोक में। आ गए समझ में? तो ये आगम बाधित पक्षाभास कहते हैं इसको, कोई भी आगम इसको स्वीकार नहीं करेगा। मुझे तो क्या कहना है, सभी आगम मूलभूत जो बातें होती है ना, सभी आगम एकमत होते हैं उसमें। मूलभूत मतलब स्वर्ग मोक्ष की बात नहीं, लेकिन जैसे यज्ञ में हिंसा आदि जितने भी प्रकरण है ना, ये मूल ग्रंथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये यज्ञों का आडंबर ये बहुत बाद में आया, एक किसी की कैसी क्या इच्छा हुई फिर उसने क्या डाल दिया। जैसे अज, आप तो सब जानते हैं ना, अज के नाम पर बकरा आ गया। अरे अभी अभी मैंने पूजन का प्रकरण लिया आठवीं नवी को, उसमें मैंने समझाया, अपने अपने धवल ग्रंथ में भगवान को बलि देना ऐसा लिखा क्या? अपने धवल ग्रंथ में कितनी हाय हाय लगी। मैं तो बराबर उनको स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि मेरा पूरा पूजन का प्रकरण चल रहा था। आपको कभी नहीं लिया क्या? मैंने नहीं लिया। अब वो प्रकरण पढ़ने लायक है फिर से। तो बलि देना मतलब, अरे बलि मतलब समर्पण, फिनिश। क्या बलि बलि जाओ तुम नहीं बोलते, तो बलि बलि मतलब क्या? और वहां पर भी सुनो सुनो सुनो,
सुनो, उसका सेंस भी ये था, हम भगवान आपके चरणों में हमारे शीश है, शीश है मतलब धड़ से अलग वाले शीश की बात चल रही थी। ए, आप समझ सकते हो ये पागलपन कैसे खड़ा हुआ है? यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, शीश चरणों में हो, चरण छड़ा दो, छड़ा दो। मुझे तो कुछ बात सुनो, मैं कह रहा हूं जो मूलभूत बातें हैं वो मूल ग्रंथ में कहीं नहीं होती है, ऐसी कोई भी आगम में नहीं। और जितना आज मांसाहार है आदि जितना भी अन्य ग्रंथ में आया ना, वो सब मिलावट, वो आगम में वो भी नहीं आएगा। हालांकि सबके आगम अपने अपने हैं, लेकिन अपने अपने आगमों में भी ये नहीं आएगा। वो प्योर जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो आता है उसमें, ऐसे तो कोई सब मिलाते ही रहते उसमें। समझ में आता है? मैंने आपको कहा भी था, क्या है वो बकरी, बकरी खाती घास है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये कबीर ने दोहे लिखे ये सब क्या? ये भगवान जो घास खा रही थी बकरी, उसकी तो खाल निकाल दी लोगों ने, अब जो बकरी खाते उनका क्या हाल होगा क्या मालूम। ये सामने उन्होंने जन जागृति इतनी करी, खूब छंद, मैंने तो आज भी खूब पढ़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूं किसी भी ग्रंथ में, कलाम ने बोला था ना ऐसा, कलाम ने किसी भी कुरान में यह नहीं लिखा है कि नॉनवेज खाओ। जबकि एक रिलायबल पर्सन है वो, एकदम एकदम शीर्ष स्थान पर था कि नहीं वो, तब उसने कमेंट किया है ये कि किसी भी, और स्वयं शाकाहारी रहा वो जीवन भर। कितने भी सूफी वगैरह, मैंने तो आपको कितनी बार कहा, ये सरमद जो था, सरमद किसके बारे में कहा था मैंने, जो शाहजहान का लड़की का लड़का कौन था, ये जीवन भर नग्न रहा, नग्नता में कितना विश्वास रखता था, और उस समय में भी मुस्लिम नग्न फकीर हुए, जो नग्नता में औरंगजेब ने सरमत को अंदर डाला था बहुत टाइम तक, और सब कहते थे ये नग्न घूमते सब जैनचर्य करते हैं, तो औरंगजेब पर बहुत प्रेशर आया कि इसको खत्म कर दो। तो औरंगजेब ने कहा था कि कुछ भी षड्यंत्र करके इनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अपराध दर्ज करें उन पर, अपन कितना उसको कैसे समझते औरंगजेब को, लेकिन उसने कहा इसको मारा नहीं जा सकता, कोई इसको फांसी वगैरह कुछ नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि कह रहे इसकी कोई एक्टिविटी वैसी है ही नहीं जिसको लेकर उसको मारा जाए किसी को। मुझे एक बात कहनी है कि पर्टिकुलर मुद्दों पर आगम एकमत होता है, सबके आगम की बात कर रहा हूं मैं, तभी तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा करोगे पुण्य करोगे तो अच्छा फल लगेगा, पाप करोगे तो खराब फल लगेगा, ये तो सभी आगम कहते हैं। फिर आपको ये प्रश्न हो सकता है, जिहाद के नाम पर जो धर्म युद्ध कर रहे हैं फिर उनको क्या होगा, फिर वे तो उसको पुण्य ही मान रहे। अभी एक प्रकार से विचार करो, हाँ लेकिन पुण्य से सदगति हो गया ऐसा तो वे मानते ही है ना आज भी, तो आगम के वाक्य तो बराबर बना रहा। पकड़ में आता है? देखो, प्रत्यय असुख दो धर्म, पुरुषाश्रय तत्वात अधर्मवत, परलोक में प्रत्य, परलोक में असुखद धर्म, पुण्य असुखद अर्थात दुखदायी होता है, अधर्म जैसा पाप जैसा हेतु पुरुषाश्रित होने से, कौन सा, तो उसको कह रही है आगम बाधित पक्षाभास है, आगम से बाधित है, आगम इसको बिल्कुल नहीं चलने देगा आगे। मैं कभी कभी ये कहता हूं कोई भी धर्म वाला हो, बीच में मुझे एक प्रश्न आया था, अभी समय तो हो रहा है, मुझे एक प्रश्न आया बीच में, सुनो, वैसे पवन भाई साहब का ही प्रश्न था, बोले वे पीत लेशा का प्रकरण पढ़ रहे थे, शुक्ल लेशा पीत लेशा प्रकरण है ना, तो उसमें ऐसा लिया था अन्य धर्मियों का बहुत आदर करता है आदि आदि, बोले ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा। मैंने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने कहा ये सामान्य हम विचार करें इसको, अपन रेल में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले इंसिडेंट कभी बताया होगा, मैं सबसे पहली बार मुझे धर्म रुचि लगी थी तब के बाद, मैं 4 बजे रेल में उठा था टॉयलेट के लिए, एकदम ऊपर अपर बर्थ पर था मैं, मिडिल बर्थ पर एक मुस्लिम भाई
नमाज पढ़ रहा था और गर्दन उसकी बिल्कुल टेढ़ी थी। कहा था मैंने, याद है आपको? आपको नहीं बोला कभी। गर्दन टेढ़ी क्यों? वो मिडिल बर्थ पर कोई बैठ ही नहीं सकता ढंग से, ऐसे थोड़ी बैठ सकता है। वो तो सोने ही सोने के लिए है, ये कोई तुम्हारा घर थोड़ी है। और नमाज के लिए तो वह जरासन में बैठना पड़ता है, वैसे पर्टिकुलर। फिर बराबर गर्दन टेढ़ी करके बैठा था, तो मुझे बहुत विकल्प बना। इसको अनुकूलता मिले। आज भी जब भी कोई भी धर्म, तो उससे बात फर्क नहीं पड़ता कौन धर्म क्या कर रहा है, लेकिन धर्म कर रहा है ये कोई कम है क्या? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म टू कीप आवर सेल्व्स टुगेदर। ये धर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग अच्छा अच्छों से नहीं डरते हैं, सब वो भी जन्नत के नाम पर सब करते हैं, जन्नत मिलेगा। जिहाद पागल नहीं, वो धर्म, दे आर मैड ऑफ रिलीजन। वे तो धर्म ऐसा कहते हैं, ऐसा वो क्या कहना चाहिए, वो इनोसेंट को क्या कहते हैं, नादान, प्रॉपर वर्ड है। वे नादान लोग हैं, वे समझते नहीं है अभी। वे तो ये समझते ये करने से हमको किसी ने उनके दिमाग में भर दिया, तो वे कर रहे चढ़ जाए सूली पे, भला करे भगवान। लेकिन एक बात आज भी तैयार है वे, आज भी उनको किसी को बोल दो इसमें पाप लगता है, छोटे से छोटे बच्चे को बेटा पाप लगता है, फटाफट हट जाता है वो। छोटे बच्चे को भी हटाने का दूसरा क्या उपाय था तुम्हारे पास? एक पुण्य पाप, कितनी आस्था बैठी है सब। फिर कौन से धर्म वाला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे समझ रहे। मैं इतना क्यों खोल रहा हूं, ये सभी आगम वाले ये कहते हैं कि आप यहां पर अच्छा करनी करोगे तो अच्छा, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा उगेगा, ये सभी धर्म कहते हैं। समझ में आता है? ये समय तो वैसे ही हो गए हैं, मैं जानता हूं। तुम्हारे पीछे हमारे 20-25 मिनट आज खराब हो गए भाई, तुम्हारा इंतजार करते करते। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास ने पुराण लिखा, आप जानते हो? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। पर क्या है? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पूरी वे ये वही लोग हैं जो कहते ये यज्ञ करते, ये करते हैं। अरे यज्ञ तो बाद में घुस गया और वैसे ही हट गया। क्या बोला? अभी कौन करता है भैया यज्ञ? जो घुसी हुई बात होती है वो हट जाती है, मुलम्मे की चीज ज्यादा थोड़ी टिकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लोकमान्य तिलक की बात बोलो। बड़े स्पीच में लोकमान्य तिलक ने एक बात कही थी, ब्राह्मण था स्वयं तिलक। ब्राह्मण मतलब पूरा वैदिक संस्कृति का, जो यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं मानने वाले, वो कहते थे हिंदू धर्म में जितनी भी हिंसा में रोक लगी है ये सब श्रेय जैन बंधुओं को जाता है। भरे मंच पर वो कहने की ताकत कहां से आई? मतलब ये मूल ग्रंथ में कुछ नहीं था उनके। अरे चार वेद पहले तो एक ही वेद था, ये वेद बाद में जितने आए सब अथर्व वेद में है ये सब यज्ञ। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, सब एक मत है इसमें। सभी धर्मांतर वाले क्या, पाप करने से परलोक बिगड़ेगा, पुण्य करने से परलोक सुधरेगा। ओम नमः।